तो अपने SRKN अपने YRF यानी अपने आदित्य चोपड़ा सर पठान 2 को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, बट गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं। मूवी की रिलीज डेट जनवरी 2026 से स्टोरी को लॉक्ड कर दिया गया है, बट गुरु अभी तक इसका ना तो डायरेक्टर मिला है और ना ही इसका विलेन। देखो गाइस, विलेन के तौर पर बहुत सारे एक्टर्स का नाम आया है, यहाँ तक कि रॉकिंग स्टार यस पृथ्वीराज सुकुमारन, राणा दग्गुबाति एंड उसके बाद अपने लॉर्ड बॉबी एंड यहाँ तक कि हॉलीवुड से जॉन सिन्हा का नाम भी आया था, विजय सेतुपति का भी नाम आया था। बट गाइस सच्चाई ये है कि इन लोगों को कभी पठान 2 में एज अ विलेन के लिए चुना ही नहीं गया था, ये सारे सिर्फ रूमर्स थे। एंड गाइस देखो, मे भी हो सकता है लॉर्ड बॉबी हो, बिकॉज आलिया भट्ट की जो मूवी आने वाली है वॉर 2 के बाद, उसमें लॉर्ड बॉबी 100% विलेन के लिए चुन लिए गए। तो मे भी हो सकता है अगर वो उस मूवी में नहीं मरते तो आगे जाकर पठान 2 में एज अ विलेन दिख सकते हैं। पहले लगा था NTR हैं, बट गाइस मूवी के मेकर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि NTR एज अ रॉ एजेंट होंगे एंड वो सारे रॉ एजेंट के बाप होंगे, वो विलेन का रोल कभी नहीं करने वाले। एंड NTR काफ़ी माइंड सेट आदमी हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट चुनकर पढ़ते हैं एंड मुझे नहीं लगता वो कभी विलेन बनेंगे पठान 2 में। एंड गुरु वही हाल डायरेक्टर का भी है, पठान 2 का कोई डायरेक्टर नहीं मिल रहा है। एंड गाइस YRF की एक परंपरा है कि सुपरहिट मूवी के सीक्वल्स को कोई अलग डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, यानी कि एक ही बंदा एक सीरीज की मूवी को डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये YRF की अपनी खुद की एक परंपरा है। एंड गुरु पहले नाम आया था कि भाई इसे अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे, मनीष शर्मा डायरेक्ट करेंगे, फिर नाम आया कि गाइस कोई साउथ का डायरेक्टर होगा, लोकेश कनकराज सर का भी नाम सामने आया था, वेटली मरन का भी नाम सामने आया था। बट गाइस ये सारे सिर्फ रूमर्स हैं, अभी तक पठान का कोई मेन डायरेक्टर जो कि इसे डायरेक्ट करने वाला है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। एंड गुरु आदित्य सर चाहते हैं कि पठान 2 अपने एक्शन की वजह से नहीं अपनी स्टोरी की वजह से जानी जाए। उन्होंने जो स्टोरी तैयार की है वो एक रॉ एजेंट के डार्क साइड को दिखाता है एंड पठान 2 अलग होनी भी चाहिए, बिकॉज ये आगे जाके टाइगर वर्सेस पठान की दुश्मनी का कारण बनेगी। उन दोनों दोस्तों में कैसे दुश्मनी होगी वो पठान 2 ही सेट करने वाली है। एंड गुरु अपने स्पाई यूनिवर्स को आगे भी तो बढ़ाना है, बिना थैनोस के स्पाई यूनिवर्स की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो YRF को अपनी परंपरा तोड़नी पड़ेगी एंड गाइस सिद्धार्थ आनंद को वापस आना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि YRF अपनी परंपरा तोड़े या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड तुम किसे देखना चाहोगे पठान 2 में एज अ विलेन।